हेलो बच्चों, क्या हो रहा है आजकल? आप क्या पढ़ रहे हैं? तो चलो, अब उसी क्रम में हम लोग आज कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ने चल रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को आज हम लोग पढ़ेंगे। आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन ऑलरेडी बताया जा चुका है, उसमें हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ऑलरेडी पढ़ रखा है। हाँ, एक चीज है, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो इस वीडियो को आप शेयर करें या दूसरे व्यक्ति को तक पहुंचाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो लेट अस बिगिन आवर टॉपिक विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। चलो हम लोग डिस्कशन करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक, तो उसी क्रम में हम देखते हैं। देखो, जैसे ये कॉम्प्लेक्स हो गया MA2 सॉरी MAX2 और A4, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जो है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, देखो 2 4 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर रखा है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं प्लीज वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक हर जगह पढ़ाने से वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए ये अवॉइड किया जा रहा है। तो वो आए देखते हैं। देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, क्या बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, तो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। देखो, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, देखो यहाँ पे मेटल ले लो, मेटल तो है, इसमें मेटल क्या है, कोबाल्ट है। देखो यहाँ पे ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया जाता है, ना नहीं, आपका हेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया जाता है। अब देखो यहाँ पे Cl NH3 और NH3। देखो ये आप क्या देख रहे हो, ध्यान देंगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा है। देखो ये दोनों सिमिलर ग्रुप, जो मिनिमम ग्रुप है, ध्यान देना, जो मिनिमम ग्रुप है ये दो ही हैं जो कम संख्या में होते हैं, उन्हीं को सिर्फ ट्रांस एडजस्ट किया जाता है। ये नहीं कि इनको हम लोग इसको ले लेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं ये आप क्या होंगे, सिर्फ ट्रांस पे रहेंगे, उस बेसिस पे हम लोग सिर्फ ट्रांस नहीं बना पाएंगे। पुनः एक बार ध्यान दे दो, हमने क्या कहा कि अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स हैं तो ये मैक्सिमम नंबर वाले को नहीं, मिनिमम नंबर वाले को लेकर सिस्टेंस बनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे दो ग्रुप क्या है बेटा, एडजेसेंट है। क्या है, दो ग्रुप एडजेसेंट है, अर्थात ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, आपका सिस हो गया। इसका ट्रांस कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे इसका ट्रांस कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे CO, ये देखो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे दिखाते हैं, यहाँ Cl लगा दीजिए और यहाँ Cl, NH3 और NH3 और NH3, ये क्या हो गया, देखो ट्रांसफॉर्म हो गया। कैसे ट्रांस है ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। देखो ये दोनों ग्रुप कहाँ पे हैं, 180 पे हैं, अपोजिट पे हैं, 180 डिग्री पे हैं या अपोजिट पे हैं, तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांसफॉर्म बोल देंगे। तो पहला कॉम्प्लेक्स हो गया इस टाइप कॉम्प्लेक्स जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा कॉम्प्लेक्स की अगर हम लोग बात करें, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो चलो देखते हैं हम लोग दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है। ये देखिए आप, दूसरा कॉम्प्लेक्स जो होगा वो क्या होगा, देखो MA3X3, ध्यान देना, MA3B हो गया, MA3X3, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन ये स्पेशल टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसे हम लोग फेसियल या मेरिडियल आइसोमेरिज्म कहेंगे। दूसरा बेटा आप लोगों ने बताया है कि क्या है, यहाँ पे देखते हैं। देखो ये फेसियल आइसोमर है और मेरिडियनल आइसोमर है, मेरिडियनल आइसोमर, दोनों डिफरेंस क्या है, पहले डिफरेंस देख लीजिए। अगर तीनों लिगेंड्स, ध्यान देंगे, अगर तीन लिगेंड्स जो सिमिलर हैं, आइडेंटिकल है, अगर ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पर होते हैं, कहाँ, ट्राइंगल जैसे ऐसे देखो, अब ट्राइंगल ये बना हुआ है, ये तीनों कॉर्नर ऐसे इसको उठा के बैठ दें, अगर तीनों कार्बन पे होते हैं या एक ही फेस में होते हैं,
एक ही फेस में होता है, इसे फेशियल आयुष्मान कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे फेशियल आयुष्मान कहते हैं। पुनः एक बार ध्यान देते हैं, अगर तीनों लिगेंड किसी ट्राइंगल के तीनों कार्नर पर व्यवस्थित होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि एक ही फेस में होते हैं, अगर तीनों ट्राइंगल इफ थ्री लिगेंड्स आर इन सेम फेस, इफ थ्री लिगेंड्स आर इन सेम फेस, दे आर कॉल्ड फेशियल आयुष्मान। ओके, अगर थ्री लिगेंड क्या किसी ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पे होते हैं तो उसे हम लोग फेशियल आयुष्मान कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, देखो मेरिडियोनल या मेरिडोनल आयुष्मान, ठीक है। इसमें क्या है, देखो इसमें जो तीनों लिगेंड्स हैं, ध्यान देंगे, ध्यान देना एक बात है, वो आप कह सकते हैं कि थ्री इक्वेटोरियल पोजीशन, कहाँ पे, थ्री इक्वेटोरियल पोजीशन पे इक्वेटोरियल। अब ये इक्वेटोरियल और एक्सियल हम लोग यहाँ बिना डिस्कस करके बस इतना जान लें, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन क्या कहा गया है, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहा गया है। जो आपके ऑक्टाहेड्रल हैं उसमें ये जो ये वाला पोर्शन है, जैसे ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे कहा गया है, ठीक है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर थ्री लिगेंड्स क्या हैं, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, वो कहाँ पे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस फॉर्म को कहेंगे मेरिडोनल आइसोमर। क्या बोलेंगे, मेरिडोनल आइसोमर। अगर थ्री लिगेंड्स आर एट द इक्वेटोरियल पोजीशन इन ऑक्टाहेड्रल, दैट इज कॉल्ड मेरिडोनल आइसोमर। बेटा ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होना, मैं एक बार कोशिश कर देता हूँ सबको क्लियर हो जाए। क्या देखना है कि इफ थ्री लिगेंड्स आर द एट द कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल, देखो यहाँ पे अगर थ्री लिगेंड्स क्या है एट द कॉर्नर ऑफ थ्री ट्राइंगल एंड दे आर इन सेम फेस, अगर वो क्या है एक ही फेस में है तो फेसिल कहेंगे, और अगर ये क्या है तीनों तीन कॉर्नर या इसी को हम लोग कह सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो ऑक्टाहेड्रल में अगर तीनों क्या है, तीनों लिगेंड्स क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन इस तरीके की पोजीशन को इक्वेटोरियल या इस तरह का अरेंजमेंट है, तो इसे हम लोग मेरिडोनल आइसोमर कहते हैं। इस जो ये आपका सेडेड है इसको हमने कहा कि मतलब इस तरीके से व्यवस्थित है, इस तरीके से व्यवस्थित है, जिसे मेरिडोनल आइसोमर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि फेशियल क्या है और मेरिडोनल, अगर तीनों लिगेंड एक ही फेस में है ऐसे करके एक ही ट्राइंगल जैसे बनता है आपका, अगर एक ही फेस में है तो फेशियल कहेंगे, और अगर तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो उसे मेरिडोनल आइसोमर कहेंगे। अब बड़े हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर ये फार्मूला हो, मतलब ध्यान देना इसमें हमने लिखा है Me22X2, ये डाइडेंटेट और सिमेट्रिकल, यहाँ पे एक चीज होगा और यहाँ पे जो ये है ये डाइडेंटेट है, ध्यान देंगे डाइडेंटेट बट अनसिमेट्रिकल, क्या बेटा अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे डाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें क्या हो दोनों पोर्शन एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये हो गया, आप देखो ये आपका क्या है एथीन डायमंड, देखो CH2 NH2 और CH2 NH2, ये आपका सिमेट्रिकल है, दो इक्वल पार्ट हो जा रहा है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल है और दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के अगर कॉम्प्लेक्स हैं, इफ यू ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, लेट अस सी हाउ दिस इज सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो लेट मी राइट हियर, जस्ट लेट मी सी, आई एम राइटिंग हियर, हियर दिस इज कोबाल्ट एंड हियर व्हाट वी विल राइट, जस्ट लेट मी सी, EL, CL आर आर अपोजिट एंड EL मींस एथीन डायमंड इज लाइक दिस वन, एथीन डायमंड इज लाइक दिस वन, जस्ट यू सी, सो दिस इज एट अपोजिट, सो दिस इज ट्रांसफॉर्म, दिस इज ट्रांसफॉर्म, एंड इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस यू कैन सी व्हाट इज हियर कोबाल्ट इज हियर, हियर वी कैन राइट, हाँ वी कैन राइट, एंड हियर व्हाट वी विल सी इफ सी सॉरी इफ सी एल एंड सी एल आर एडजेसेंट देन
EN ligase and EN ligase. This is. So what is it? This is trans not. This is cis form. Maturity. This is cis form. Here two single group are at adjacent. So that is called cis form. Okay. This is called trans form because similar group are at opposite. So this is called trans form. Another case that we just we will discuss only name. If complex is M A B C D E F, means if six different ligands are attached to central metal atom, so what will be the symmetry? Symmetry surely will be octahedron, and how many isomeric form they will existing. So if like this M A B C D complex is there, they will show 15 isomers. How many isomers? 15 isomers. Now getting this? कितने आइसोमर शो करेंगे? 15 आइसोमर शो करेंगे. इस चीज को आपको ध्यान रखना, बस इसको याद रखना है कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर मेटल एटम 6 डिफरेंट लिगेंड से सराउंडेड है तो 15 आइसोमेरिज्म शो करेगा. लेकिन ये कैसे शो करेगा इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे. दिस इज द मैटर ऑफ हायर क्लासेस, मीन्स बीएससी एंड एमएससी. सो यू आर नॉट इन दैट क्लास, सो लेट अस एक्सक्लूड दिस पोर्शन. Okay, so what we have observed here, just on a sheet, what is there? This type complex shows 15 isomer. Next, I have written MAB whole thrice like this complex. And now we are going to discuss, here we will discuss geometrical isomerism, but this is unsymmetrical ligand. What is it? Unsymmetrical ligand. Unsymmetrical ligand, ठीक है? ये क्या है आपका? Unsymmetrical ligand, ठीक है? अब देखिए unsymmetrical मतलब क्या हो गया? जैसे अभी हमने symmetrical के लिए ये बात किया था, देखो ये इसको equal part में divide कर सकता है, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ये देखो ये बेटा ये equal part में divide नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसे? Unsymmetrical कहते हैं. अब देख लो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जिससे कि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ. तो बेटा इसमें हम लोग सिस और ट्रांस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, ध्यान देंगे अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, तो इसमें सिस और ट्रांस हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है? कैसे यहाँ पे सिस और ट्रांस आइडेंटिफाई करेंगे ये चीज हमको ध्यान रखना है, ठीक है? देखते हैं कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं. देखते हैं बच्चों थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको. तो हम लोग ये भी क्या है, ये फॉर्म बेटा क्या है आपका? सिस फॉर्म है, और ये क्या है यहाँ पे? ट्रांस फॉर्म है. अब थोड़ा ये इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे ट्रांस फॉर्म. देखो ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ए बी टू. देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है? कि देखिए इसमें अगर सिस हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान देंगे अगर सिस और ट्रांस की बात करते हैं, ठीक है? तो ये चीज हमको ये देखना होता है कि ज्यादातर जो ये कॉर्नर पोजीशन है, ज्यादातर ये कॉर्नर पोजीशन एक दूसरे के क्या है, कॉर्नर पोजीशन क्या है, दूसरे के सिस है ट्रांस. देखो इस कॉर्नर ध्यान देंगे थोड़ा सा अलग है, ये दोनों में देखो ये क्या है, दोनों ये देखो कॉर्नर ये क्या है, ये दोनों क्या है, सिस पोजिशन पे है. अब देखो इसमें देखो ये कॉर्नर पर, देखो ये कॉर्नर पर क्या है, ये ट्रांसपोजिशन. पुनः एक बार ध्यान दे दो जिससे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए. हम लोग क्या देखते हैं इसमें, इस तरह के कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स हैं एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ऐसे आप कह सकते हैं जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, अगर वो सिस में है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिस फॉर्म कहेंगे, ठीक है? सिस फॉर्म, जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों सिस पे हैं तो सिस फॉर्म कह देंगे. अगर ये क्या है अपोजिट पे है तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, ट्रांस फॉर्म कह देंगे. तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर. जैसे अब हो जाए ML6 हो जाए, ठीक है? या MA5, MA6 या MB6 हो जाए. तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स जो है जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉलो नहीं करते हैं या नहीं शो करते. पुनः एक बार ध्यान दे दो, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है. हमने क्या बताया यहाँ पे बच्चा, हमने बताया कि ये दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर सिस है, सिमिलर ग्रुप है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को सिस फॉर्म कहेंगे. अगर ये दोनों अपोजिट है तो इस तरह को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांस फॉर्म करेंगे. आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊंगा.